राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले बीजेपी का मंदिरों में सफाई अभियान जारी है और इसी कड़ी में आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर परिसर में सफाई की और पीएम मोदी स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाया। इस दौरान अनुराग ठाकुर के दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस साफ सफाई अभियान में भी हिस्सा लिया। मुझे आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ भाई, एक मिनट शांत। महर्षि वाल्मीकि के मंदिर में जहां एक और स्वच्छता अभियान में जुड़ने का अवसर मिला, अनुष्ठान माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी रखा और देशवासी भी, उसी के चलते आज एक ऐतिहासिक मंदिर में जहां वर्षों पहले महात्मा गांधी जी का आना भी हुआ, उनका ठहराव भी हुआ और यहीं से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी, नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत भी 2 अक्टूबर 2014 को की थी। आज स्वच्छता अभियान पूरे देशवासियों ने उसको दिल से माना है और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले देश भर के धार्मिक स्थलों में स्वच्छता अभियान चल भी रहा है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे और साफ सफाई अभियान, जो कि स्वच्छता अभियान चल रहा है प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान से पहले, और तमाम केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं। कल भी आपने देखा था तस्वीरों में, और आपको बता दें कि लोगों को भी संदेश दे रहे हैं कि अगर आप कहीं भी आश्रम जाते हैं, मंदिर जाते हैं, वहां साफ सफाई का खासा ध्यान रखें। मुझे आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ भाई, एक मिनट शांत। महर्षि वाल्मीकि के मंदिर में जहां एक और स्वच्छता अभियान में जुड़ने का अवसर मिला, अनुष्ठान माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी रखा और देशवासी भी, उसी के चलते आज एक ऐतिहासिक मंदिर में जहां वर्षों पहले महात्मा गांधी जी का आना भी हुआ, उनका ठहराव भी हुआ और यहीं से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी, नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत भी 2 अक्टूबर 2014 को की थी। आज स्वच्छता अभियान पूरे देशवासियों ने उसको दिल से माना है और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले देश भर के धार्मिक स्थलों में स्वच्छता अभियान चल भी रहा है।